लेके चले आए, वो कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, इंप्योरिटीज के फॉर्म में मिलता है ना, जैसे आपने मिट्टी देखा है, सैंड है, या फिर उस तरह से बिल्कुल जो है आपका रॉक फॉर्म में मिल सकता है, आपका बारीक फॉर्म में मिल सकता है, बिल्कुल सैंड के फॉर्म में। तो ये जो आपका, इसी को हम क्या कहते हैं, ओर्स। ठीक है, अब ओर्स को जब हम रिफाइन करते हैं तब जाके हमें प्योर जो मिनरल होता है वो मिलता है। तो आपके जो मिनरल्स होते हैं दे आर डिराइव फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स। अब एक खनिज के बहुत सारे ओर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन आयरन के कितने ओर बताए थे, कुछ ओर्स आपको याद है बताइए। मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट जो है ये सबसे मतलब जो है बेहतर क्वालिटी के आयरन ओर है, और इनमें से हमें आयरन, प्योर आयरन मिलता है। अब हम देखते हैं, इंडिया इज एंडोर्ड विथ फेयरली अबंडेंट सप्लाई ऑफ रिजर्व ऑफ आयरन ओर। इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन इन एशिया। इंडिया में सोचो कि बहुत अच्छा रिजर्व है आयरन का। और जो मेन ओर्स हैं आयरन के वो क्या है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। इसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है, मैग्नेटाइट, बिकॉज इट हैज लेस इम्प्योरिटी एंड मोर यू नो प्योर आयरन कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस, एंड इट हैज ग्रेट डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। नाउ द आयरन ओर माइंस अकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। जब मैंने आपको पट्टियां पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है, जहाँ पे छोटा नागपुर एरिया है, वो हाईली रिच है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरस मिनरल्स में। ठीक है ना, जितने भी स्पेशली फेरस। और जब मैंने नॉर्थ वेस्ट बताया था तो उसमें वो किस चीज में फेमस था, नॉन मेटेलिक एंड स्टोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स। ठीक है, तो आपका जो ये है आयरन ओर जहां भी पाया जाता है हमारा छोटा नागपुर एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में, उसके साथ ही साथ आपको कोयले की खदानें भी मिलेंगी, बहुत सारी आपको वहां पे कोयले की खदानें भी मिलेंगी। देन अबाउट 95% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन। अब ये मेरे को, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या आप इसकी खुद ही रीडिंग मारोगे, और इसको भी नहीं करोगे तो आपको जो आपका मैप है ना, मैप सिलेबस में जो आपके आयरन और माइंस है वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आप उतना भी लर्न करके, क्योंकि इस पे बहुत कम क्वेश्चन आता है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर माइंस इन इंडिया, ये वो आपसे बहुत, वो बल्कि ना के बराबर पूछा जाता है कि भाई ये कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है आयरन या कोल, इस तरह से बताइए, क्योंकि तो बहुत आंसर फिर बहुत ज्यादा मतलब इतना बच्चे लर्न भी नहीं कर पाएंगे और बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली अगर, लेकिन आपको कुछ एग्जाम्पल्स के लिए पता होना चाहिए, स्पेशली वो जो आपके मैप के सिलेबस में, क्योंकि वो उसको आपको मार्क करना है। हम कुछ जो है बस थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज बस इसमें पढ़ लेते हैं। एक बात तो आपको मालूम नहीं चाहिए कि 95% जो हमारा आयरन है वो हमें छोटा नागपुर से मिलता है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, जिसमें आपका आता है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ऊपर से इन्होंने साउथ की भी कुछ स्टेट दे दी वो तो नीचे, लेकिन कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्रा एंड तमिलनाडु। मैंने दो बताए थे ना आपको कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन फेरस में मिनरल है और मिनरल्स में काफी ज्यादा हाई रिजर्व है वहां पे, प्लस साउथ में जब आप जाएंगे तो जो आपका साउथ वेस्टर्न रीजन है वहां पर भी काफी ज्यादा आयरन के लिए वो फेमस है, वो भी हाई ग्रेड आयरन के लिए। लाइक आपका जो मैंने आपको बताया चिकमगलूर जो है आपका तमिलनाडु में, ये कर्नाटका में, टुमकूर है तो कर्नाटका है आपका, गोवा है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, आंध्रा का कुछ एरिया, तो ये सब आपके हाई ग्रेड आयरन के लिए काफी रिच है। और यहाँ का, यहाँ पूरा आयरन जो है वो बाहर क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, बाहर बेचा जाता है। देन अगर हम ओडिशा में देखें तो सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, तो बहुत डिटेल में जस्ट हो जाएगा तो मैं एक ही चीज नहीं नाम लूंगी, बस आप एक नजर कर लीजिएगा, मयूरभंज, झार, तो इसमें बहुत सारे जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए वही उसी में आपकी माइंस है। एक होता है रिजर्व, रिजर्व मतलब कि बहुत वाइड एरिया में आपका वो मिनरल पाया जा रहा है, लेकिन जहां पे हम एक आपका वहां पे डिगिंग करते हैं और वहां से निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइन, उस पर्टिकुलर एरिया को जहां पे ज्यादा रिजर्व होता है। आयरन तो आपको हर जगह मिलेगा, कोल आपको बहुत हर की कहीं जगह मिल सकता है, लेकिन हम हर जगह माइनिंग नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे वो जो है माइनिंग प्रोसेस काफी कॉस्टली होता है। तो हम तब वहां पे माइनिंग करते हैं जब हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पे हाई क्वालिटी और अच्छे अमाउंट में काफी हाई रिजर्व है यहाँ का। अब इतना सा आपका मिनरल प्रेजेंट है, उसके लिए आपने जितना आपको मिलेगा ना उतना आपने मशीन लगा के उसको वहां पे माइनिंग कर डाली, तो वो आपका फिर लॉस में रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं तभी जाके माइनिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैंगनीज। तो मैंने आपको आयरन ओर के दो आपको बता दिए ना, अयस्क क्या होते हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, और कहाँ मिलते हैं मोटे तौर पर आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट जो आपका है छोटा नागपुर एरिया, एंड आपका साउथ वेस्ट में जो आपके साउथ इंडिया के चार राज्य, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, ये सब है। ठीक है, देन आता है आपका मैंगनीज। तो मैंगनीज इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर के लिए।
और यहाँ पे जो है आपका मतलब कि किस चीज में काम आता है मैंगनीज, ये अगेन आयरन ओर की स्मेल्टिंग में। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम रॉ जो आपका अयस्क होता है जब उसको हम लेकर जाते हैं तो फिर उसको हम क्या करते हैं मैंगनीज उसमें मिलाते हैं, उसमें डोलोमाइट मिलाते हैं, चूना पत्थर मिलाते हैं, और उसके बाद उसको मिक्स करने के बाद उसमें से हमारा प्योर आयरन निकलता है। तो डिस्टिलेशन में काम आता है मैंगनीज। देन मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट, अब ये इतना आप देख लीजिएगा, बस ब्रुकलिन माइंस मैंगनीज के बाद पढ़ लीजिएगा। मैंगनीज काम किस, उसका फंक्शन क्या है मैंगनीज का, वो आपको पता होना चाहिए। एक तो वो फेरस मिनरल है, प्लस वो किस काम में आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये मैप में देख सकते हो, और मैप में एज इट इज नहीं देखना है, जो आपका सिलेबस है स्ट्रिक्टली उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना मैप पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस काफी हद तक कट शॉर्ट हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें पढ़ाई करनी है। और नेक्स्ट आता है हमारा नॉन फेरस। तो हमने फेरस में कौन से पढ़े, मैंगनीज और आयरन, ये आपको एग्जाम्पल में भी याद होना चाहिए, है ना। कभी कभी आपसे एग्जाम्पल में पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप नहीं भी है तो भी आप इसको आंसर को यूज कर सकते हो कोई भी इस फैक्ट को। ठीक है, तो ये दोनों आपके फेरस मिनरल्स है। अब हम पढ़ते हैं नॉन फेरस। नॉन फेरस में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, बॉक्साइट एंड कॉपर। ये दोनों भी आपके मेटेलिक हैं बट दे आर नॉन फेरस, इनमें मेटल होता है बट अदर देन आयरन। अब पहला है बॉक्साइट। अब हमें बॉक्साइट से कौन सा मेटल मिलता है, एल्यूमिनियम, याद रखना। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसमें काफी चीजें दी हुई है कहाँ किस फॉर्म में मिलता है, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ूंगी, आप इसकी माइंस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। ठीक है, कॉपर, इसकी फंक्शन क्या है कॉपर के, इट इज इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स। तो कॉपर का जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका किसमें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। एलोएबल, मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है। इट इज ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी, है ना। तो ये सारे फंक्शन है इसके। द कॉपर डिपॉजिट्स मेनली अकर इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन एमपी एंड झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। कॉपर आपने एक वहां पढ़ा होगा ना, राजस्थान में ज्यादा इसके डिपॉजिट है कॉपर के, क्योंकि ये आपका नॉन फेरस मिनरल है। और प्लस ये जो है आपका वहां पे एक कौन सी फेमस माइन है कॉपर की राजस्थान में, खेतरी, खेतरी ना, तांबा खदान खेतरी, तो इसमें ये उसके लिए काफी फेमस है। देन हम नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, माइका। अच्छा सुनो, मैं तो अभी आपको पढ़ा रही हूँ कि मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, मालूम माइका है, या फिर अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जब अपना सिलेबस आप देखेंगे ना तो वो चीज आप मत पढ़िएगा फिर। बस तो है, मुझे ऐसा लग रहा है ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। अब देखो, माइका 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 जो है ये आपका नॉन मेटेलिक है। अब हमने मेटेलिक कवर कर लिए, मेटेलिक में दो पढ़े फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में हमने कौन से दो पढ़े हैं आपके, आयरन एंड मैंगनीज। नॉन फेरस में हमने क्या पढ़े, कॉपर एंड बॉक्साइट। जैसे बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के वाइड यूजेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन हम अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक में क्या आता है आपका, माइका। माइका भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी स्प्लिट इन टू वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सीबल। माइका इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन झारखंड, आंध्र, ये बात पढ़ेंगे। बस इसका दो फंक्शन पढ़ लीजिएगा, माइका किस काम आता है। अब ये हमारा जो है मिनरल्स जो होते हैं खनिज, उसका सेक्शन खत्म होता है। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पे, जो है हमारा एनर्जी, क्या है, एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, नाउ मिनरल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जो एनर्जी फ्यूल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, तो हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको मैं बता रही थी कि जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उसके काफी ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूजेस होते हैं हमारे हमारे लिए। देखिए एनर्जी रिसोर्सेज,
नाउ एनर्जी रिसोर्सेज, आपको पता है कि ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनसे क्या क्रिएट होता है, एनर्जी, जो कि जो मशीन्स हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं उनके रन करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है. सो मिनरल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय, तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या जनरेट करती है, पावर. ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, पावर जनरेट करती है जिससे कि आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लिए ये पावर जो है काफी एसेंशियल होती है. पावर के बिना आप जानते हो कोई भी जो है सेक्टर आपका वर्क नहीं कर सकता है, है ना. सो मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. इन्हें क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, जिसे हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये जीवाश्म से बनते हैं, जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं उनके फॉसिल, उनके रिमेन से बनते हैं, इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दीज कन्वेंशनल सोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. अभी तुमको आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ये आपका कॉपर एंड बॉक्साइड का है. हाँ, अब हम एनर्जी में सबसे पहले किस पे आएंगे, कोल. कोल के बारे में आप सब जानते हो कि इसके इंडिया में बहुत पहले, इंडिया में क्या, वर्ल्ड में बहुत पहले से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है फॉर ये पावर जनरेशन के लिए. कोल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विच इज यूज इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर. अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है, थर्मल पावर. ठीक है, अब आपसे कोई पूछ लेगा कि भाई थर्मल पावर क्या है, आपने कभी सुना है थर्मल पावर स्टेशन. थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, जहां पे कोयले को यूज करके उसको मतलब बर्न करके क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. कोयले से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कोल से, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका थर्मल पावर. और जहां पे ये होता है उसको क्या कहते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस. तो इंडिया में मोर देन 300 थर्मल पावर स्टेशंस हैं. तो जो कोल है उसी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो आप ये बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होता है ना, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, कभी अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट इज थर्मल पावर स्टेशन, व्हाट इज थर्मल थर्मल एनर्जी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. थर्मल एनर्जी मतलब क्या हो गया आपका, कोल. कोल से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हम थर्मल पावर या एनर्जी कहते हैं. एंड ये स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर में भी काम आता है. कोल अकर्स इन रॉक सीक्वेंसेस मेनली ऑफ टू जियोलॉजिकल एजेस, गोंडवाना एंड टर्जरी. तो गोंडवाना और टर्जरी जो आपका टाइम पीरियड होता है उसके टाइम के हमें कोल मिलते हैं बहुत पुराने. अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप, जिससे मैंने आपको बताया कि एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है, सेकंड नंबर पे आपका बिटुमिनस आता है. तो इंडिया में मैक्सिमम क्या मिलता है, बिटुमिनस. ठीक है, और ये कहाँ का मिलता है, बेसिकली आपको गोंडवाना टाइम का और दामोदर गोंडवाना टाइम का है. तो गोंडवाना मतलब बहुत पुराना टाइम स्केल है. ठीक है, कोयला देखो, कोल तभी बेस्ट होता है जितना वो पुराना होगा. तो पुराना गोंडवाना हमारा बहुत पुराना टाइम पीरियड है. अभी कहाँ मिलता है, दामोदर वैली. दामोदर रिवर कहाँ पे है, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में. तो वहां के आसपास में आपको काफी अच्छा कोल का रिजर्व मिलेगा. जैसे झरिया मैंने आपको बताया था ना कल, सबसे बड़ी कोयले की खदान इंडिया की, और उसके बाद रानीगंज है. तो झारखंड और वेस्ट बंगाल में काफी अच्छा रिजर्व है कोयले का इंडिया में. झारखंड बंगाल बेल्ट में कोयला मिलता है. और माइंस कौन सी, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरदी एंड करनपुरा. तो अगेन ये सब माइंस हैं, तो ये बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है. आप जो है बेसिकली जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो आप उसको पढ़ेंगे. एक निवेली कोल फील्ड का आपका फोटो भी दे रखा है, मैप अलग से करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी जो है इसके साथ मर्ज नहीं करना है. और जो हमारे इंडिया में कोल है, एक तो गोंडवाना टाइम पीरियड का मिलता है और एक आपका टर्जरी टाइम पीरियड का मिलता है. टर्जरी गोंडवाना जो है बहुत पुराना टाइम है, और टर्जरी थोड़ा सा अभी रिसेंट टाइम है. रिसेंट मतलब ये भी मिलियंस ऑफ पुराना ही है, मतलब जब हिमालय बना था. तो हिमालय भी हम उसे यंग माउंटेन कहते हैं, लेकिन वो है, वो अगर वैसे भी देखें तो यंग कितना है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो भी पुराना है. और मिलियंस से भी काफी पुराना आपका गोंडवाना टाइम का होता है, वो तो बहुत पुराना है. तो टर्जरी कोल फील्ड हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड में. नाउ नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम. नाउ पेट्रोलियम जो है, क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स वेरिंग इन केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. देन इट इज, इसमें भी देखो थोड़ा बहुत आप पढ़ना कि जो पेट्रोलियम है वो हमारे किस काम आता है. इसमें बता रहा है क्रूड पेट्रोलियम क्या होता है. क्रूड पेट्रोलियम मतलब जो हम पेट्रोल यूज करते हैं एज इट इज, वो हमें ऐसे ही इस फॉर्म में नहीं मिलता है ना. उसमें भी काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है, जिसको हम कहते हैं क्रूड पेट्रोलियम. क्रूड मतलब उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, रॉक्स होंगे, है ना, वो डिफरेंट उसमें चीजें मिक्स होती हैं. और फिर बाद में उसको हम जब ऑयल रिफाइनरीज में लेके जाते हैं तब उसे प्योरीफाई किया जाता है. इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं ऑफ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स वेरिंग इन केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी के लिए। पेट्रोल से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन, ऑटोमोबाइल्स में, रेलवेज में, एयरक्राफ्ट में काम आता है पेट्रोल। देन इट इज न्यू इट्स न्यूमरस बाय प्रोडक्ट्स। अब जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनरी करते हैं, रिफाइन करने के बाद उससे हमें क्या मिलता है, बहुत सारा बाय प्रोडक्ट मिलता है। बाय प्रोडक्ट समझते हो, उससे जो निकलता है बाद में, है ना, उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब हमें पेट्रोलियम हमारा अलग हो गया प्योर, उससे जो हमें उसे हम इम्प्योरिटी कह लें या जो भी कह लें, तो वो जो हमें मिलता है उससे हम बहुत सारे और प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सुने आपने पेट्रोकेमिकल, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट से डिफरेंट चीजें बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। लाइक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक, है ना। तो पेट्रोलियम से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उस वो कहाँ काम आता है, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, सिंथेटिक रबर बनाने में काम आता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में काम आता है। जैसे नाइलॉन, ये सब सुना होगा, नाइलॉन धागे जो होते हैं तो वो सिंथेटिक होते हैं। देन मेडिसिन बनाने में काम आता है, वैसलीन, पेट्रोलियम जली, आपने सुना होगा ना, कहते पेट्रोलियम जली वैसलीन, वो भी इसी से बनता है। लुब्रिकेंट्स, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक्स, ये सारी ही चीजें किससे बनती हैं, पेट्रोलियम से। इसीलिए पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड, बिकॉज ऑफ इट्स स्केसिटी एंड डाइवर्सिफाइड यूजेस। क्योंकि ये तो नेचर में कम पाया जाता है, ऊपर से इसके यूजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, समझ में आया, वाई इट इज कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड, बिकॉज इट हैज स्केसिटी इन नेचर, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, एंड प्लस इट हैज डाइवर्सिफाइड यूजेस, इसके बहुत सारे काम है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं इससे निकलता है, इतने सारे आपको मैंने बता दिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो ये हो गया। देन अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे पहली जो हमारी ऑयल ऑयल रिजर्व है भारत का, या फिर जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र था, वो हमारा कौन सा था, डिगबोई, जो ब्रिटिश के टाइम का है। उसके बाद हमारा जो गुजरात एरिया है, हमारा जो महाराष्ट्र का एरिया है, जो हमारा वो जो हमारी ऑफशोर ऑयल फील्ड है, उसका क्या नाम है, मुंबई हाई, जो कि अरब सागर में, अरेबियन सी में। 63% जो है पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है, अरब सागर से, जो हमारा मुंबई हाई का जो ऑयल एरिया है। ठीक है, और गुजरात में बहुत सारी आपकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, अंकलेश्वर मैंने आपको बताया था ना, कोयाली, जामनगर, ये सब वहीं पर है, कलोल, मेहसाणा, नवगांव, कसंबा, लुनेज, तो ये सब है। देन मुंबई से 160 किलोमीटर अंदर पानी में, अरब सागर में, वहां पे आपका मुंबई हाई है, जो 1973 में डिस्कवर हुआ था और 1976 में इस पे काम स्टार्ट हुआ था। देन अभी जो है कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी जो जो बेसिन्स है, वहां पर एक्सप्लोरेशन चल रहा है कि वहां पे भी हमें ऑयल, जो जहां पे ऑयल मिलता है ना, जहां पे पेट्रोल मिलता है वहीं नेचुरल गैस भी मिलता है, ये सब आसपास ही मिलते हैं। तो जहां पे पेट्रोल का रिजर्व होगा वहीं पे आपको नेचुरल गैस भी मिल जाता है। अब देखो, ऑयल जो हमारी, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल इज क्रूड ऑयल एंड कंटेन्स मेनी इंप्योरिटीज। जब हम तेल के कुएं से तेल निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे कि आप मान लो मुंबई हाई से आप निकाल के लाए, या आपने कहीं से भी निकाला, ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको लेकर आते हो ऑयल रिफाइनरीज में। जो मैंने आपको जामनगर बताया, या आपको कोयाली बताया, या आपको और कौन सा बताया था, अंकलेश्वर, ये सब ऑयल रिफाइनरीज है। यहाँ पे तेल निकाला नहीं जाता है, यहाँ पर तेल लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे इसको जो है रिफाइन किया जाता है और फिर इसको पूरे इंडिया में भेजा जाता है। ठीक है, तो अब जैसे डिगबोई है, डिगबोई में क्या है, रिजर्व भी है और ऑयल रिफाइनरी, हाँ ऑयल रिफाइनरी भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इतनी लार्ज स्केल में नहीं है जितनी आपकी गुजरात वाली है। सब जामनगर वाली तो बहुत बड़ी है। बेसिकली डिगबोई किस लिए फेमस है, वो कि वहां पे रिजर्व है, रिजर्व समझते हो ना, जमीन के नीचे बहुत ज्यादा अमाउंट पे वहां पे ऑयल प्रेजेंट है। देखो कहाँ गया। अब दो तरह की ऑयल रिफाइनरीज होती है, एक होती है आपकी फील्ड बेस्ड और एक होती है आपकी मार्केट बेस्ड। अब इसमें अंतर क्या है फील्ड बेस्ड और मार्केट बेस्ड में, ये आपको डिफाइन करने के लिए प्लस एग्जांपल में भी आ सकता है। फील्ड बेस्ड मतलब ये होता है कि मान लो आपकी यहाँ पे कोयले की ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे पूरा जमीन के अंदर रिजर्व मौजूद है। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, जहां पे ऑयल रिजर्व है वहीं पे आपने अपनी रिफाइनरी भी बना ली, तो ये आपके पास पड़ गया, आपने यहीं से निकाला और यहीं पे आपने इसको रिफाइन भी कर दिया। ठीक है, तो ये कैसी रिफाइनरी हो गई, फील्ड बेस्ड, जैसे डिगबोई आपकी, है ना, डिगबोई में ही रिजर्व भी है और वहीं पे ऑयल रिफाइनरी भी है, तो वहां से आपने निकाला और तुरंत वहीं पे डिगबोई में आपने रिफाइन करके आपने जहां पर ट्रांसपोर्ट करना आपने कर दिया। लेकिन कुछ बेस्ड कुछ होती है जो आपकी ऐसी होती है मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड मतलब कि वहां पे कहीं भी ऑयल का रिजर्व नहीं होता है, वो इनफैक्ट काफी दूर होता है, लेकिन वहां पे क्या है, मार्केट है,
है ना, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे डिमांड ज्यादा है, वहां पे मार्केट है, तो वहां पे क्या किया हमने जो है पाइप के थ्रू वहां पे हमने क्रूड ऑयल को पहुंचाया, मतलब इम्प्योर ऑयल को पहुंचाया, और फिर वहां पे हमने रिफाइन करके वहां पे मार्केट तक पहुंचा दिया। तो वहां पे मार्केट पास पड़ेगा, ठीक है। अब बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मथुरा एंड बरौनी। मथुरा कहाँ पर है, यूपी में, और बरौनी कहाँ पर है आपका, बिहार में। इन दोनों ही एरिया में कहीं भी आपका ऑयल रिजर्व नहीं है, और मथुरा में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यूपी में तो कोई आपका खनिज पाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज कैसे हैं, यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है दूर से। बरौनी से कहाँ से आ रहा है, दिग्विजय असम से आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आता है जो आपको बरौनी, क्योंकि बिहार में, तो बिहार से नॉर्थ ईस्ट पास पड़ेगा, तो वहां से आपका पाइप के थ्रू आता है। और फिर ऑयल रिफाइनरी क्या करती है बरौनी की, वहां पे उसको प्योर करके फिर भेजती जहां जहां उसको भेजना है। और मथुरा में कहाँ से आता है, गुजरात से, ठीक है। तो थ्रू पाइपलाइन वो यूपी में भेजते हैं, मथुरा में भेजते हैं, और मथुरा में उसको रिफाइन किया जाता है, और उसके बाद उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है, जो आसपास के वो मार्केट को अपने कवर करता है, पंजाब हो चाहे आपका उत्तराखंड हो चाहे यूपी का एरिया, तो वहां पे वो अपने एरिया को कवर करता है। तो ये जो बरौनी और मथुरा है, ये क्या कौन सी रिफाइनरीज हो गई, मार्केट बेस्ड, क्योंकि मार्केट के पास है, वहां पे कहीं भी ऑयल का रिजर्व नहीं है। जबकि डिगबोई कौन सी होगी आपकी, फील्ड बेस्ड, क्योंकि वहीं पर रिजर्व भी है, वहीं पे आपकी रिफाइनरी भी है। तो आपने एचवीजे पाइपलाइन का नाम सुना होगा, हजीरा विजयपुर एंड जगदीशपुर। तो ये हजीरा कहाँ पर है, गुजरात में, विजयपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में। तो गुजरात से सोचो कि मतलब लाया जाता है और उसको भेजा जाता है पाइप के थ्रू, जो आपका पेट्रोलियम होता है, जगदीशपुर तक। तो इसको एचवीजे पाइपलाइन कहते हैं। तो आज मैं, आज जो है मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, आगे का जो है नेचुरल गैस वो हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम हो चुका है, ठीक है। तो जो आज मैंने पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से आप कर लेना, जो आपकी माइंड्स हैं वो आप अपने मैथ सिलेबस से आप लर्न करेंगे, इसमें से आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फेरस कौन सा है, नॉन फेरस कौन सा है, उसकी यूजेस क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए। पट्टियां कौन सी है, अब आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पे लर्न करके नहीं आ रहे हैं। तो आप जो है अभी मैं इसको जब कर लूंगी पूरा, तब मैं आपसे फिर रिटर्न जो है वो आपका भी मैं करवाऊंगी, चेक करूंगी। तो आप आज के लिए इतना है, नेक्स्ट जो है हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट
हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ वो सर कह रहे हो कि वो भेजना है क्या? हाँ सर अपना ईमेल मेल आईडी बता दीजिए। ये सब मतलब उस पे है ना, स्मॉल पे। हाँ सर, सर दिमाग बिल्कुल गायब हो चुका है 3 दिन से। वो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आया था, उसमें मैं बिजी थी पूरा, 2 दिन का टाइम मिला था तो वो बना के मैंने कल भेजा है। 25 की डेट थी तो फिर भेजा है, अब फिर अभी ये देखने का मौका ही नहीं मिला मुझे। वही सर मुझसे बोल रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ भेजा तो है। अरे सर अब इतना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, जो हो गया बस। मैं नहीं कुछ जानती मैं तो दे दे रही हूँ, अब ठीक ही होगा इतना। VIKAS बस ना। हाँ SUNAR@gmail.com। ठीक है सर। अब बस आप बस एक बार नजर देख लीजिएगा, मैंने मैप आप सब लगा दिया। पहले सर पता नहीं क्या कह रहे थे कि वो नाम वाम वो तो आप ही के उस पर आ जाएगा ना कि किसने क्या टॉपिक बनाया है। वो बता रहे थे मेरे को कि, और कह रहे थे पहले क्या, वो 4 दिन पहले कह रहे थे तो मेरे दिमाग से भी गायब हो गया। वो क्वेश्चन पेपर मैं बनाने में बिजी हो गई, कहाँ टाइम मिला मुझे कि वो पेन क्या मैप यूज करने के लिए, आप कि मैप यूज करना सारे चाहिए सारे बच्चों को, क्या स्टेंसिल स्टेंसिल क्या क्या बता रहे थे, वो टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। और आज तो सर मुझे जाना है ना, आज भी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरे को वो लेके जाना है ना वहाँ पे, बच्चे को ले रखा है डॉक्टर के पास।